पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन ध्यान से देखिए, अगर मैं ये लिखता हूं एफ एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स वेरिएबल है, ये सभी टर्म्स हैं पॉलिनोमियल के, ये क्वाड्रेटिक टर्म है, ये लीनियर टर्म है, ये कॉन्स्टेंट है, ये थर्ड डिग्री का है, क्यूबिक टर्म है, ये कॉफिशियंट, जो कॉन्स्टेंट आ रहे हैं उनको हम कोफिशियंट कहते हैं। इसे मैं एन डिग्री का पॉलिनोमियल कहूंगा अगर ए एन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बात समझ आ गई, और एन डिग्री का पॉलिनोमियल इसे हम कहेंगे। एन ये टर्म्स हैं, ये इंटीजर्स हैं, लाइक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ तो मेरे पास जीरो डिग्री का पॉलिनोमियल तो कांस्टेंट है, लीनियर की बात करूँ तो मेरे पास ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाएगा, और ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं क्यूबिक की बात करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ओके, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल की सिंपल सी बात आई। पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो, ओके। नाउ एक और बात, सबसे सिंपलेस्ट जो पॉलिनोमियल है उनके ग्राफ भी आपको मालूम होने चाहिए। अगर मैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की बात करता हूं तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये लाइन है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ओके, याद करना है। इसकी डोमेन क्या है, डोमेन है आर, रेंज क्या है, आर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अगर मैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ, सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये इस टाइप से रहता है, पैराबोलिक होता है, ये पॉइंट वर्टेक्स होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वर्टेक्स होता है जीरो जीरो। इसकी डोमेन कितनी आती है भाई, डोमेन आती है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, आर है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। रेंज क्या होती है, रेंज आउटपुट का जो सेट होता है वो कितना आता है, इस केस में जीरो क्लोज टू इनफाइनाइट ओपन, ओके, जीरो क्लोज टू इनफाइनाइट ओपन, ये भी मुझे मालूम होना चाहिए। अगर मैं एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस, आपके लिए असाइनमेंट है, अगर मैं एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर की बात करूंगा तो डोमेन आ रही रहेगी, रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से जीरो क्लोज, आउटपुट का सेट होता है रेंज, ओके, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, ओके। अगर मैं एफ एक्स इक्वल्स टू, एक और आपको ध्यान रखना चाहिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ भी आपको कम से कम मालूम होना चाहिए। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा है, कैसे रहता है, इसकी डोमेन क्या होती है, डोमेन आर है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, रेंज भी क्या है, आर है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ कॉनकेव अपवर्ड होता है या कॉनकेव डाउनवर्ड होता है, ठीक है। कम से कम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के सिंपलेस्ट ग्राफ आने चाहिए। इसके बाद चेंज इन ग्राफ्स में हम सीख सकते हैं, अगर माइनस एक्स क्यूब की बात आ रही है तो ये उल्टा हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये मैं वाई बस टू माइनस एक्स क्यूब कर सकता हूँ, ऐसा होगा कुछ ग्राफ। अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर की बात करूंगा तो ऐसा आ जाएगा, इसमें और काफी चेंजेस हम देखेंगे, बात समझ आ गई। लेकिन कम से कम आपको क्वाड्रेटिक वाई बस टू एक्स स्क्वायर तभी ये लिखा होता है, जैसे लीनियर कहीं पर दिया है, ध्यान से समझो, तो अगर ए एक्स प्लस बी लिखा है तो ये तभी तक लीनियर है जब तक ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है, अदरवाइज ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, दैट्स व्हाई ये लिखा होता है। तो मुझे लगता है पॉलिनोमियल का जो बेसिक मीनिंग है वो यहां पर एकदम क्लियर है, ओके।